नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड्स के बारे में। अब किसी भी डॉग की इंटेलिजेंस को चेक करना एक बहुत ज़्यादा कठिन काम हो सकता है किसी भी आम आदमी के लिए, मगर स्टैनली कॉरेंस जो कि डॉग्स के एक बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी किताब द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग में बहुत सारे डॉग्स की इंटेलिजेंस को टेस्ट करके उन्हें एक स्पेसिफिक नंबर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं 10 डॉग्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग। ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और एक बहुत ज़्यादा काम करने वाली डॉग ब्रीड है। इनकी एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं, इन्हें कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वैसे इन्हें हर्डिंग का काम करना काफ़ी पसंद होता है। अगर आप इन्हें अकेले ऐसे ही बैठा कर रखेंगे बिना किसी काम के तो ये बोर हो सकते हैं और कुछ भी उठपटांग हरकत कर सकते हैं, तो इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ काम ज़रूर करवाते रहें। ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग एक बहुत ज़्यादा ओबेडियंट डॉग ब्रीड भी है। ये अपने ओनर का हर कहा मानते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 9, रॉटवाइलर। रॉटवाइलर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड है। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ पुलिस डॉग, एज अ मिलिट्री डॉग और एज अ हर्डिंग डॉग किया जाता है। लोग इन्हें अपने पास रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे कंपेनियन साबित हो सकते हैं। ये अपने ओनर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक भी जा सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छे कंपेनियन डॉग भी साबित हो सकते हैं। नंबर 8, पेपिलॉन। पेपिलॉन एक बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाली डॉग ब्रीड है। इनके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये काफ़ी अलर्ट डॉग ब्रीड भी है। ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होती है और ये एक स्मॉल साइज़ कैटेगरी डॉग ब्रीड्स है। इनकी हाइट तकरीबन 8 से 11 इंचेस की होती है और ये एक बहुत ज़्यादा अलर्ट डॉग ब्रीड है, इसीलिए आप इन्हें एज अ वॉच डॉग भी अपने घर में रख सकते हैं। जब कोई इंट्रूडर या फिर कोई स्ट्रेंजर आपके घर में आता है तो ये आपको बहुत जल्द इत्तला कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छे वॉच डॉग भी साबित हो सकते हैं। नंबर 7, लैब्राडोर। लैब्राडोर दुनिया भर में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉग ब्रीड है। इन्हें हर कोई पालना पसंद करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत अच्छे फैमिली पेट साबित हो सकते हैं। अगर आपके घर में एक लैब्राडोर है तो आपको किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनका बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा होता है। अगर कोई आपके घर में बाहर से स्ट्रेंजर आता है या फिर कोई भी आपके घर में आता है तब भी ये उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तब भी आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य। तो आप इन्हें बिल्कुल बिना किसी चिंता के अपने घर में रख सकते हैं। नंबर 6, शेटलैंड शीप डॉग। शेटलैंड शीप डॉग एक वर्किंग कैटेगरी की डॉग ब्रीड है। इन्हें काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लोग इनका इस्तेमाल करते हैं एज अ हर्डिंग डॉग क्योंकि ये हर्डिंग में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। इस डॉग ब्रीड को ब्रीड ही किया गया था एज अ हर्डिंग डॉग। ये शुरू से ही शीप्स को हर्ड करते हुए आ रहे हैं और आज भी लोग इनका इस्तेमाल एज अ हर्डिंग डॉग ही करते हैं। इनके इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसीलिए ये नंबर 6 पर हैं और ये बहुत अच्छे कंपेनियन भी साबित हो सकते हैं। नंबर 5, डॉबरमैन। डॉबरमैन को जाना जाता है उनकी स्टैमिना और उनकी स्पीड के कारण। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छे वॉच डॉग होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अलर्ट डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ पुलिस डॉग, एज अ वॉर डॉग और एज अ मिलिट्री डॉग किया जाता है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इनका स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और इनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। ये कोई भी काम बड़ी ही आसानी से और बहुत निपुणता से कर सकते हैं। नंबर 4, गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर को दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। इंडिया में भी तकरीबन हर कोई इंसान जो डॉग्स को थोड़ा बहुत भी जानता है वो गोल्डन रिट्रीवर को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। ये गोल्डन कलर के होते हैं और इनके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। गोल्डन रिट्रीवर एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड को ब्रीड किया गया था एज अ हंटिंग कंपेनियन। लोग इनका इस्तेमाल करते थे शिकार करने में, मगर आज इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है एज अ सर्चिंग डॉग और एज अ रेस्क्यू ऑपरेशन डॉग क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा कमाल की होती है।
ये किसी भी चीज़ को आसानी से ढूंढ सकते हैं और किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड को दुनिया भर में एज अ पुलिस डॉग, एज अ मिलिट्री डॉग इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में भी इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ पुलिस डॉग और एज अ मिलिट्री डॉग होता है। कई सारे लोग इन्हें अपने पास रखते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली डॉग साबित हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे लवली कंपेनियन भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। अगर आप इन्हें अपने घर में रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी चिंता किसी भी बात की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे वॉच डॉग भी होते हैं। जब कोई स्ट्रेंजर या फिर कोई इंट्रूडर आपके घर में आता है तो ये आपको बिल्कुल तुरंत ही इन्फॉर्म कर देंगे, ये आपको बता देंगे कि अपने घर में कोई स्ट्रेंजर आया है। ये एक बहुत ज़्यादा अलर्ट डॉग ब्रीड है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। नंबर 2, पूडल। पूडल एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। ये काफ़ी स्मार्ट और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को पानी से रिट्रीव करने, यानी कि उन्हें पानी से निकाल कर लेकर आने में। इस डॉग ब्रीड को ब्रीड ही इसलिए किया गया था क्योंकि जब कोई चीज़ पानी में चली जाती थी या कोई इंसान पानी में डूबने लगता था, तब इस डॉग को ऐसे ट्रेन किया जाता था कि आप उस चीज़ को डूबते हुए बाहर निकालें, या फिर किसी इंसान जो कोई डूब रहा है उसे पानी से बाहर निकाल कर लेकर आएँ। तो ये डॉग ब्रीड आज भी इसी काम में इस्तेमाल की जाती है। कई सारे लोग इन्हें अपने घर में रखते हैं। ये एक बहुत अच्छे कंपेनियन भी होते हैं। नंबर 1, बॉर्डर कॉली। बॉर्डर कॉली दुनिया की सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड है। ये बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं, यानी कि इन्हें फ्री बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ काम ज़रूर दिया जाता है। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ हर्डिंग डॉग किया जाता है। आज भी इस डॉग ब्रीड को लोग अपनी शीप यानी कि अपनी भेड़ों को चराने में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अभी इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल डॉग शोज़ में किया जाता है। लोग इन्हें कई सारे स्टंट सिखाते हैं, कई सारी कमांड सिखाते हैं। ये किसी भी ट्रेनिंग को बड़ी ही आसानी से सीख लेते हैं और सीखने के बाद उन पर बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसीलिए लोग इन्हें डॉग शोज़ में लेकर जाते हैं। जिस भी डॉग शो में बॉर्डर कॉली आता है, उस पूरे के पूरे डॉग शो का मुख्य आकर्षण सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर कॉली ही होता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे स्टंट करके दिखाता है, ऐसे ऐसे चीज़ें करके दिखाता है जो कोई और डॉग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड है इस सारी दुनिया का। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।